आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग में एज लेक्चर नंबर सेकंड डिफॉर्मेशन ऑफ सोइल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल मूवमेंट्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर्स में भी। तो कुछ हमारी जो स्वेलिंग क्या होता है, क्रीप क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया, उसके इफेक्ट जो है हमारे सोइल मास पे क्या रहते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ द डिफॉर्मेशन ऑफ सोइल। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर में कुछ जो टर्म हमारी डिफॉर्मेशन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल मूवमेंट्स थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो हमारी इम्पोर्टेंट एक इफेक्ट जो है हमारी सोइल मास पे पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन जो हमारी रहेगी हीविंग, थर्ड वन जो हमने डिस्कस करना है डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल मूवमेंट्स में हीविंग। ठीक है जी, तो हीविंग क्या है, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सोइल इज टर्म्ड एज हीविंग। जब अपवर्ड मूवमेंट होती है सोइल मास की उसको हम क्या बोलते हैं, हीविंग। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सोइल इज टर्म्ड एज हीविंग। ठीक है, तो हीविंग क्या है, एक अपवर्ड मूवमेंट है सोइल होती है जब, ठीक है जी, तो उसको हम क्या नाम लेते हैं, हीविंग। तो सोइल हीव रिजल्ट्स इन द अपलिफ्टिंग ऑफ लाइट स्ट्रक्चर बट बिल्ट अबव देम। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीविंग इज मैक्सिमम इन केस ऑफ सॉफ्ट कंप्रेसिबल क्ले। ज्यादातर हीविंग की जो प्रॉब्लम्स आती है जहां पे सॉफ्ट कंप्रेसिबल क्ले होती है, क्ले सोइल है, वहां पे इस तरह की जो हीविंग की प्रॉब्लम्स है जहां पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, मूवमेंट हो जाती है सोइल की। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीविंग। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती है वो कहां पे आती है, हमारी जो कंप्रेसिबल सॉफ्ट कंप्रेसिबल क्ले सोइल है इस तरह की में हमारी जो हीविंग प्रॉब्लम्स है ज्यादातर आती है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ जो हमारी हीविंग इज ऑब्जर्व्ड इन द एडजेसेंट स्ट्रक्चर व्हेन पाइल्स आर ड्रिवन थ्रू फाइन ग्रेन सोइल सैचुरेटेड सोइल लाइक क्ले। इन क्ले सोइल हीविंग क्रैक्स एंड फीचर्स वाटर एंटर एंड फ्रीज। If the atmospheric temperature fails in the freezing point, this results in a large increase in the volume of soil because the water is converted into ice. ठीक है जी, there is about 9% of the increase in its volume. तो heaving का कारण क्या है, जब क्या होते हैं, जब हम adjacent कोई fine grain soil पे pipes driven होती हैं, ठीक है जी, तो उसके बाद features जो adjacent structure में क्या होते हैं हमारे जो हमारी क्ले सोइल में बहुत सारी जो क्रैकिंग या फिस्चर्स आ जाते हैं तो उसमें वाटर एंटर कर जाता है। तो वाटर एंटर करने की वजह से जो टेम्परेचर चेंजेस की वजह से, जैसे फ्रीजिंग एट अ फ्रीजिंग पॉइंट, तो जो वाटर एंटर कर गया है वॉइड्स में तो वो क्या करेगा, उन वॉइड्स को आइस में कन्वर्ट होगा। तो आइस में कन्वर्ट होने की वजह से क्या कर जाएगा, वो सोइल मास जो रहेगा वो वॉल्यूम जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है, हीविंग आती है। तो इस तरह की अगर हीविंग की बात करते हैं तो जो हमारा सोइल मास है 9% जो वॉल्यूम है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द हीविंग। ठीक है जी, दिस एक्सपेंशन ऑफ द सोइल मास इज टर्म्ड एज फ्रॉस्ट हीव। इसको हम जो वाटर की वजह से इंटरफिशर्स और क्रैकिंग में जब वाटर एंटर करता है और वाटर एंटर करने के बाद टेम्परेचर चेंजेस की वजह से फ्रोस्ट एक्शन होती है, तो फ्रोस्ट एक्शन की वजह से क्या होगा, जो वाटर है वो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, आइस में। तो आइस में कन्वर्टेड होने की वजह से जो वॉल्यूम है सोइल मास का वो इंक्रीज, तो वॉइड्स में क्या है जो वो आइस में कन्वर्ट होगा वाटर, तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की एक्सपेंशन को, सोइल मास की एक्सपेंशन को हम क्या बोलते हैं, फ्रोस्ट हीव। ठीक है जी, ड्यू टू फ्रोस्ट हीव द सोइल एट द ग्राउंड सरफेस इज लिफ्टेड, दिस मे कॉज द लिफ्टिंग ऑफ द लाइट स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन द ग्राउंड। तो बहुत सारे जो इफेक्ट हैं हमारे जो लाइट स्ट्रक्चर हैं उनकी लिफ्टिंग हो सकती है, इनकी वजह से हीविंग की वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकते हैं हीविंग की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट वन अगर मैं बात करूं प्लास्टिक फ्लो की, प्लास्टिक फ्लो भी एक सोइल मूवमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। प्लास्टिक फ्लो,
ठीक है जी। तो द कॉन्टिन्यूअस सोयल डिफॉर्मेशन इन हाईली प्लास्टिक सोयल highly plastic soils subjected in soil a constant shearing stress is termed as plastic flow. ठीक है जी। तो the upward movement of soil is termed as heaving और continuous soil deformation in highly plastic soil में जो continuous deformation आती है किसी plastic soil में subjected to constant shearing stresses उसको हम क्या बोलते हैं plastic flow। जब continuous soil deformation होती है किसी plastic soil में यानी कि highly plastic soil जैसे रहती है हमारी, ठीक है, तो उनके इस तरह की soil में जब क्या हो continuous soil deformation हो उस term को हम क्या नाम देते हैं plastic फ्लो। ठीक है जी। तो द फिनोमेना ऑफ प्लास्टिक फ्लो जनरली अकर इन क्ले सोइल। ठीक है, ज्यादातर क्ले सोइल क्या है हमारी कौन सी सोइल है प्लास्टिक सोइल है, तो इसलिए क्या है द फिनोमेना ऑफ प्लास्टिक फ्लो जनरली अकर्स इन क्ले सोइल्स में ज्यादातर हमारी क्या है प्लास्टिक फ्लो। इट इवन अकर्स व्हेन द शीयरिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सोइल इज less than the shearing strength। ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है कॉन्टिन्यूअस सोइल डिफॉर्मेशन होती है जब इन अ हाईली प्लास्टिक सोइल एट अ कॉन्स्टेंट शीयरिंग स्ट्रेस देन दिस इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं प्लास्टिक फ्लो। तो इस तरह की जो प्लास्टिक फ्लो जनरली अकर होती है क्ले सोइल में, ठीक है, इवनली अगर ये हमारी जो सोइल है जब शीयरिंग स्ट्रेस जो है वो कम हो एज कम्पेयर टू लेस देन द शीयरिंग स्ट्रेंथ तब भी हमारे क्या हुआ प्लास्टिक फ्लो की प्रॉब्लम्स क्या है आती है। ठीक है जी। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे कंसोलिडेशन है क्या है टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन क्या है कि इसके बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और प्रैक्टिकल कुछ सिग्निफिकेंस रहेंगे इसके बारे में देखेंगे। ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी डिफॉर्मेशन में रहेगी कंसोलिडेशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कंसोलिडेशन और टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में प्राइमरी कंसोलिडेशन सेकेंडरी कंसोलिडेशन या इनिशियल कंसोलिडेशन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या होती है कंसोलिडेशन। ठीक है जी। और क्या पर्पस है क्या इंपॉर्टेंस है इसको भी साथ के साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है जी। टर्म रहेगी क्या है कंसोलिडेशन। ठीक है। तो व्हेन अ सोइल मास इज सब्जेक्टेड टू अ कंप्रेसिव फोर्स इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है जी। द डिक्रीजेस इन द वॉल्यूम ऑफ द सोइल मास अंडर स्ट्रेस इज नोन एज कंप्रेशन एंड इट्स एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सोइल ड्यू टू व्हिच द डिक्रीज इन वॉल्यूम अगर व्हेन कंप्रेसिव फोर्सेस इज नोन एज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सोइल। ठीक है। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर कंसोलिडेशन को समझे तो क्या रहेगी अगर हम सोइल मास को क्या करते हैं किसी लोड कंप्रेसिव फोर्सेस क्या करते हैं सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्सेस ऑन द सोइल मास इसके कारण क्या होगा वॉल्यूम में क्या होगा डिक्रीजिंग होगी।
सोयल मास का वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम मास जब डिक्रीज होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी को ही हम जो कंसोलिडेशन है इसी तरह की को शो करता है। द कंप्रेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल, द कंप्रेशन ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वॉटर water from the voids under the long term static load, long term static load is termed as consolidation, as consolidation। ठीक है, तो consolidation term क्या है, जब भी हमारे कोई soil mass में हम external load compressive forces सब्जेक्ट करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, सोइल मास है उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होगा। तो ये जब सोइल मास डिक्रीज होता है तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन है। ठीक है जी, तो कंप्रेशन जो सैचुरेटेड सोइल की हम कंप्रेस करवाते हैं, ठीक है जी, ये हमारी जो कंसोलिडेशन प्रोसेस रहता है वो जो स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन प्रोसेस वो कहाँ कब होता है, जब हम जो कंस्ट्रक्शन है हमारे स्ट्रक्चर की वो कंस्ट्रक्शन होने के बाद जो कंसोलिडेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ठीक है जी, हम देखेंगे टाइप ऑफ कंसोलिडेशन में, इनिशियल कंसोलिडेशन क्या है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या है या प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल कंसोलिडेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोइल ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ वाटर, तो वाटर को वॉइड में से क्या करना, बाहर निकालना, तो उस टर्म को कंप्रेशन से, ठीक है जी, बाय कंप्रेसिव फोर्सेस की हेल्प से, तो इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है जी, तो अकॉर्डिंग टू तजागी एवरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाय एयर इज कॉल्ड ए प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन। तो तजागी के अकॉर्डिंग अगर हम डेफिनेशन देखें कंसोलिडेशन को समझे तो क्या है, एवरी प्रोसेस इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन द वाटर कंटेंट ऑफ ए सैचुरेटेड सोइल विदाउट रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर बाय एयर इज कॉल्ड द टर्म इज नोन एज कंसोलिडेशन। तो तजागी के कहने का मतलब यह है कि कोई भी प्रोसेस जब हम वाटर कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए, वाटर कंटेंट को हमारे सोइल मास से रिमूव करने के लिए हम अप्लाई करते हैं विदाउट एनी रिप्लेसमेंट ऑफ एयर वाटर बाय एयर, ठीक है जी, तो उस टर्म को हम क्या नाम बोल सकते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है जी, तो द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज सिमिलर टू द एक्शन ऑफ द स्क्वीजिंग ऑफ वाटर फ्रॉम द सैचुरेटेड स्पॉन्ज अंडर प्रेशर। ठीक है जी, तो इसी तरह से जो वाटर को वॉइड में से क्या करना है, रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन। बट कंसोलिडेशन प्रोसेस क्या है, आफ्टर द कंस्ट्रक्शन ज्यादातर क्या होते हैं ये आएंगे, तो ये हमारे क्या है कंसोलिडेशन टर्म। तो टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन के बारे में जानते हैं, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, कितने तरह की टाइप्स है कंसोलिडेशन की, और प्राइमरी कंसोलिडेशन कब स्टार्ट होता है, इनिशियल कंसोलिडेशन की टर्म जो है कब स्टार्ट होती है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है जी, तो इनिशियल कंसोलिडेशन तीन तरह की हमने, तीन स्टेज में हमने कंसोलिडेशन को डिवाइड किया हुआ है, इनिशियल कंसोलिडेशन, प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशियल कंसोलिडेशन टर्म क्या है, इनिशियल कंसोलिडेशन। ठीक है जी,
तो इनिशियल कंसोलिडेशन क्या है, द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द पार्शियली सैचुरेटेड सोइल ड्यू टू द एक्सपल्शन एंड डिकम्प्रेशन ऑफ इन द वर्ल्ड्स इज टर्म्ड एज द, जो हम एयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उसको एक्सपल्शन करवाते हैं वाटर के उस पार्शियली सैचुरेटेड सोइल में से, तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कंसोलिडेशन। ठीक है जी, द डिक्रीज इन वॉल्यूम of partially saturated soil, partially saturated soil due to expulsion and compression of air is termed as, in the words, is termed as initial consolidation. तो इनिशियल कंसोलिडेशन क्या है, वॉल्यूम का डिक्रीज होना इन द पार्शियली सैचुरेटेड सोइल और एक्सपल्शन और कंप्रेशन करना एयर को इन द वर्ल्ड्स। ठीक है जी, इस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, इनिशियल कंसोलिडेशन। तो इनिशियल कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड। इनिशियल कंसोलिडेशन टेक्स प्लेस जस्ट आफ्टर द application of load, ठीक है जी। तो initial consolidation क्या है, partially saturated soil में air को remove करना, ठीक है जी, और volume को decrease करने की term को हम क्या बोलते हैं, initial consolidation। ये just ही जब load हम apply करते हैं तब ही हमारी क्या आती है, initial consolidation occur होती है। तो हम बात करते हैं primary consolidation की, तो primary consolidation क्या रहेगा इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइमरी कंसोलिडेशन टर्म क्या है और ये कब अगर होती है इस तरह की जो कंसोलिडेशन है, ठीक है जी। तो सेकंड वन हमारी क्या टर्म रहेगी, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक है जी, तो प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, तो रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सोइल मॉस ड्यू टू द एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वर्ल्ड्स इज टर्म्ड एज द प्राइमरी कंसोलिडेशन। इनिशियल कंसोलिडेशन में हमने क्या किया है, फर्स्टली क्या होता है, एयर को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है बाय द कंपैक्टिंग एफर्ट्स। ठीक है जी, तो उसको हम इनिशियल कंसोलिडेशन, इनिशियल कंसोलिडेशन अगर होता है जस्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ लोड्स। और प्राइमरी कंसोलिडेशन क्या है, द रिडक्शन इन द वॉल्यूम, द रिडक्शन इन द वॉल्यूम of soil mass due to of a soil mass due to expulsion of due to expulsion of water from the voids is termed as primary consolidation. ठीक है जी, तो primary consolidation क्या है, reduction in the volume of the soil mass due to the expulsion of water from the voids is termed as the primary consolidation. ठीक है जी, तो इनिशियली व्हेन अ सैचुरेटेड सोइल इज सब्जेक्टेड टू अ लोड, द अप्लाइड प्रेशर इज टेकन अप द वाटर इन एन एक्सेस फॉर वाटर प्रेशर, एज द वाटर
escapes from the soil, the applied pressure is gradually shifted from the water in the voids to soil particles. The phenomenon of the primary consolidation results in the increase of effective stresses. तो इसमें क्या है, प्राइमरी कंसोलिडेशन में वॉल्यूम जो है उसकी रिडक्शन होती है सोइल मास की, और एक्सपेंशन किसका होता है वॉइड में से वाटर का. तो इससे होता क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस इंक्रीजिंग होंगी, क्योंकि जब वॉइड्स में जो वाटर क्या कर जाएगा रिमूव होगा तो पोर वाटर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा. पोर वाटर प्रेशर डिक्रीज होगा तो इफेक्टिव स्ट्रेसेस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी. ठीक है जी, तो ये रहती है हमारी प्राइमरी कंसोलिडेशन. और बात करते हैं हम जो हमारे सेकेंडरी कंसोलिडेशन है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या रहेगी, सेकेंडरी कंसोलिडेशन ओके द एडिशनल रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सोइल, द एडिशनल रिडक्शन इन द सोइल, in the volume of the soil mass, volume of the soil mass which takes place at a very slow rate, which takes place at a very slow rate even after primary consolidation is complete, primary consolidation is complete, and excess pore pressure is reduced, and excess pore water pressure is reduced to zero is termed as, reduced to zero termed as scattering consolidation. ठीक है जी, तो सेकेंडरी कंसोलिडेशन क्या, एडिशनल रिडक्शन है वॉल्यूम ऑफ सोइल मास के वॉल्यूम की एट अ वेरी स्लो रेट, इवन आफ्टर द प्राइमरी कंसोलिडेशन इज कंप्लीट, फिर भी स्लो रेट पे क्या हो, जो हमारी एडिशनल रिडक्शन होती रहती है सोइल मास की. ठीक है, और एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो रिमूव हो जाता है, रिड्यूस टू द जीरो पोर वाटर प्रेशर रहता है. ठीक है जी, उस टर्म को हम क्या नाम देते हैं, सेकेंडरी कंसोलिडेशन. तो ये हमारे क्या कंसोलिडेशन के बारे में था. ठीक है जी, और ये टर्म्स के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट कंप्रेशन इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या रहेंगे. ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन, डिफॉर्मेशन ऑफ सोइल में हमने डिस्कस किया, कंसोलिडेशन क्या होता है वो हमने पढ़ा है. ठीक है जी, तो जो कंसोलिडेशन है जिसमें कंप्रेशन ऑफ एयर एंड वॉटर इन द वॉइड्स, या कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, या एक्सपल्शन ऑफ एयर एंड वॉटर फ्रॉम द वॉइड्स, ये प्रोसेस जो इंक्लूड रहते हैं इसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं. तो कंप्रेशन ऑफ सोइल, मेनली कंप्रेशन जो सोइल की होती है वो ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स को कंप्रेस कर सकते हैं. और कंसोलिडेशन कंप्रेशन ऑफ एयर एंड वाटर इन द वॉइड्स, उनका कंप्रेस हो जाए, एक्सपल्शन कर सकते हैं या कंप्रेस कर सकते हैं एयर और वाटर को. ठीक है, तो ये प्रोसेस रहते हैं हमारे कंसोलिडेशन के. ठीक है, कंसोलिडेशन क्या है, द कंप्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सोइल due to expulsion of water from the voids under a static load is known as the consolidation. So next lecture में discuss करते हैं. Next हमारा topic इसी chapter में से.